सारा प्रोवेशन रिक्वायरमेंट है सबकी. सो होया तकरीबन एक ही साल में 51 अरब रुपए के करीब जो फंड्स हैं वो डिस्क्रिशनरी फंड्स के तौर के ऊपर खर्च किए गए. इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि अगर कोई हमें उम्मीद कहे कि आप 180 अरब रुपया खर्च करेंगे और आपकी मर्जी होगी आप कहाँ पर मर्जी लगाएंगे, टैक्स पेयर के पैसे की तोहीन है. अगर आप जो सरकारी खजाना, आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब जब जाते थे जलसों में कि मैं फलाने जिले में हूँ, मैंने आपके ऊपर ये पैसे वार दिए, फलाने जिला के ऊपर हूँ, मैंने ये एयरपोर्ट आपके ऊपर वार दिया, आप नहीं वार सकते. आप मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप मुल्क के बादशाह नहीं. लेकिन हमने देखा पिछली हुकूमतों ने सरकारी खजाने को बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे कि उनकी अपनी जागीर, और वो जहाँ पर जाते थे, जमीनी इलेक्शन हुए, जमीनी इलेक्शन में कामयाबी हुई, उस जिले में तशरीफ ले गए और कहा कि अरबों रुपया जो है वो इस जिले में फलाना फलाना डेवलपमेंट दे दिया है. आपने खुद देखा कि जब पैनामा पेपर्स आया उसके बाद नवाज शरीफ साहब जहाँ पर तशरीफ लेके गए वहाँ पर उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाटरवे जरूर अनाउंस किया. किसी ने स्टडी नहीं किया, किसी ने मनसूबा नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि यहाँ पे जरूरत किस चीज़ की है, इस जिले को पीने का पानी चाहिए या एयरपोर्ट चाहिए, इसको सड़क चाहिए या पहले इनको जो है वो बुनियादी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए. लेकिन वहाँ पर जाके इस तरह से